भारत ने 10 सालों के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट ऑपरेट करने के लिए तेहरान के साथ एग्रीमेंट किया। भारत इस पोर्ट को ऑपरेट करने के साथ साथ इसे डेवलप भी करेगा, लेकिन अब अमेरिका ने इस डील को लेकर वार्निंग दी है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी ईरान के साथ कारोबार करने पर विचार कर रहा है, उसे हमारी ओर से संभावित प्रतिबंधों के जोखिमों से वाकिफ रहने की जरूरत है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल से जब चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के एग्रीमेंट को लेकर सवाल किया गया, तो पटेल ने कहा कि हम इन खबरों से वाकिफ हैं कि ईरान और भारत के ने चाबहार पोर्ट को लेकर एक डील की है। भारत सरकार की अपनी विदेश नीति है। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर की गई डील और ईरान के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों को वे बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे। ये पूछने पर कि क्या इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि कोई भी अगर ईरान के साथ बिजनेस डील करता है, इस पर विचार कर रहा है, तो उन्हें इसके संभावित जोखिम पता होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उन पर प्रतिबंध लग सकते हैं। चाबहार में दो पोर्ट हैं, पहला शाहिद कलंतरी और दूसरा शाहिद बहिश्ती। शिपिंग मिनिस्ट्री की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल शाहिद बहिश्ती का काम संभालती है और भारत वैसे तो पहले से ही इस पोर्ट का कामकाज संभाल रहा था, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था, समय समय पर इसे रिन्यू करना पड़ता था, लेकिन अब 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है। सालों से भारत और ईरान के बीच लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन कई कारणों की वजह से इसमें देरी आ रही थी। बीच में भारत और ईरान के बीच रिश्तों में थोड़ी तल्खी भी आ गई। इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भी समझौते में देरी हुई। बताया जा रहा है कि इस डील के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार बंदरगाह में लगभग 12 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। भारत चाबहार पोर्ट का एक हिस्सा डेवलप कर रहा है ताकि ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक सामान पहुंचाया जा सके। नई डील से पाकिस्तान के कराची ग्वादर पोर्ट को बाईपास किया जा सकेगा और ईरान के जरिए ही दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच कारोबारी रास्ता खुल पाएगा। ईरान और अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट अहम जरिया है। एक ओर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों से निपटने में चाबहार पोर्ट से ईरान की मदद हो सकती है, तो दूसरी ओर हिंद महासागर तक पहुंच के लिए अफगानिस्तान की निर्भरता पाकिस्तान पर कम हो सकती है। ईरान में बन रहे चाबहार पोर्ट को चीन और पाकिस्तान के लिए जवाब भी माना जा रहा है। इस कारण भारत की यहां दिलचस्पी बेहद बनी हुई है। ग्वादर पोर्ट में चीन की मौजूदगी की वजह से चाबहार पोर्ट में भारत का होना फायदेमंद है। चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है। ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच सड़क के रास्ते 400 किलोमीटर की दूरी है, जबकि समंदर के जरिए दूरी 100 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत भारत ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक जहाज, रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे भारत की यूरोप और रूस तक पहुंच भी आसान हो पाएगी। इसके अलावा चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच बन सकेगी।